नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होना वाला है। यूँ समझ लीजिए कि बैठे बैठे ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। ग्रह की ऐसी शानदार कृपा आपके ऊपर अब बरसने वाली है। परंतु दोस्तों, जो इसमें आकर के होश नहीं खोइएगा, हो जाइए सावधान। हमारा सभी से बस यही निवेदन है कि इसे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए क्या खबर निकल कर आ रही है? दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपको कितना तंग करने वाली हैं और आपके जीवन को कितना प्रसन्न करने वाली हैं, विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना होगा। और दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में आपकी लाइफ में क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, इसकी जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने की जल्दबाजी में अपना आपा मत खो दीजिएगा। जो भी आपका ये मन है वो भोग बिलास की चीज़ों की ओर आकर्षित होने वाला है। विदेश में नौकरी करने के लिए और भी ऑफर आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं और उन सब्जेक्ट्स में भी काम काफ़ी अच्छा कर पाएंगे आप, जिनमें आप कमज़ोर थे या फिर कम मेहनत में ही आप बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति भी कर पाएंगे। दोस्तों, भगवान की कृपा समझिएगा। प्रेम जीवन में जो अकेले पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेमी से खटपट होने की आशंकाएं हैं, आपका मन खिन्न भरा रहेगा। लेकिन जैसे तैसे उदासी को ढकने की कोशिश करनी ही होगी। शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार लें। आर्थिक समस्याओं में रचनात्मक सोच आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। आपका निरंकुश व्यवहार के चलते पारिवारिक लोग आपसे खफा हो सकते हैं। थोड़े आपको अपने प्रिय को बुद्ध हालात समझाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। वास्तव में दरअसल आपके साथ में हो क्या रहा है? दोस्तों, अनुभवी लोगों से जुड़ करके आप अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। ये जो दोस्तों आने वाले अगले 3 दिन हैं, पहले की अपेक्षा में काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आपके आसपास में ऐसे माहौल में आप रहेंगे जो काफ़ी अनुकूल रहने वाले हैं। बिना मेहनत के ही आपके कई काम बन जाएंगे। चारों ओर से लोग आपकी वाहवाही करेंगे। ये सभी ग्रह के शुभ फल से होने वाला है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ग्रह की शुभ स्थिति कभी भी घूम सकती है, तो घमंड मत कीजिएगा। बस इतनी सी आपसे निवेदन करते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और 2 दिन खिलाफ भी रह सकते हैं। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन कभी घमंड मत करिएगा और जिस दिन खिलाफ में हो उस दिन थोड़ा धीरज रखिएगा। ज़िंदगी सवर जाएगी आपकी। अगर आप प्रेमी जीवन में हैं और आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, आप दोनों इमोशनल हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो बेवजह शंकाएं अपने रिश्ते में मत आने दीजिएगा। आपका जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। सिर्फ बैठने की बजाय कुछ ऐसा करिएगा जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके। औरों की राय सुनना और उस पर अमल करना ये प्रायोरिटी होने चाहिए। दिन की शुरुआत से ही अंत तक खुद को ऊर्जा से लवरेज महसूस करने वाले हैं आप। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाना चाहते हैं। परंतु दिक्कत वाली बात यह है कि परिवार से थोड़ी सी दूरियां बढ़ भी सकती हैं। अलग अलग महसूस बात कर सकते हैं आप। अपने लव रिलेशन को भी लेकर के थोड़ा उत्साहित रहें। इसी के साथ में रुके हुए जो काम आपके थे वो आपके मित्रों की मदद से अब संपर्क होने वाले हैं। आपको किसी अपने से कोई खुशखबरी मिल सकती है और आपके फंसे हुए पैसे भी वापस आ सकते हैं। लेकिन आप किसी को पैसे उधार देने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही इस राशि के छात्रों को किसी के साथ में बहस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई के प्रति अपने रुझान बनाकर रखना है। आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं से भड़काएंगे, चिढ़ाएंगे आपको और आपको एग्ज़ाम टाइम में डिस्टर्ब करने की या फिर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। आपको इन्हीं की बातों में नहीं आना है। ऐसे समय पर प्रभु का नाम मन ही मन आपको सोचते रहना है। और मानसिक शांति अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दान पुण्य की कामों में सहभागिता कीजिए। दिल से बहुत ही अच्छा लगेगा।
परिवार के लोगों के साथ में अपनी खुशी के सबे को बांट लीजिए। आप तंत्रवय रिश्तों में मत रखिएगा और आपके जीवन में खुशियों की बारिश कभी भी हो सकती है। शाम तक गर्त में खुशी का माहौल छाया रहेगा। बिना मेहनत के आपको फल मिलने वाला है, तो किसी बुजुर्ग की मदद आप ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि उनकी मदद करने से उनके जीवन का बहुत बड़ा कष्ट समाप्त हो जाए और आपको मन से प्रसन्नता भी प्राप्त हो। इसके उपरांत दोस्तों, सड़क पर वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस राशि के लव मेट्स के लिए भी दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में आप अगर रहेंगे तो आपको ऐसा किया तो आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा कि मैंने इतने पैसे खर्च क्यों कर दिए। अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग के चलते आप नए आत्मविश्वास और रोमांच से भरपूर रहेंगे। अपने प्रिय के बिना समय बिताना थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, परंतु समय बीतता है, आपको धन मिलेगा। दफ्तर में कोई योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसीलिए आंखें खोल कर रखें और अपने चारों ओर चल रही गतिविधियों को पहचान लीजिए। युवक युवतियों को कुछ बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लव मैरिज के इच्छुक युवक और युवतियों को परिवार का सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, आपके लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि आप पर बने हुए कर्ज को मिटाने की आपकी कोशिश प्रगति और बढ़ रही है। फिर भी दोस्तों, खर्चों पर नियंत्रण लाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। घर से संबंधित नए खर्चे अचानक से उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी दोस्तों, पैसा खर्च करते समय आप अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर मौज मस्ती करने के लिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। और इसके साथ ही आपके लिए जो समय होगा, आपको बताना चाहेंगे कि किसी सामाजिक सेविक संस्था से जुड़ने तथा अपना सहयोग देने में इस समय अधिकतर समय आपका व्यतीत हो जाएगा। अगर घर परिवर्तन करने की भी आप सोच रहे हैं तो दोस्तों, उसके लिए योजना बनाने के लिए उत्तम समय रहेगा। युवाओं को अपनी मेहनत का सुपरिणाम भी इस समय मिलने वाला है, तो दोस्तों, चिंता करने की इस समय आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखें कि आपके अहम की वजह से आपके कुछ पंथिक कार्य भी बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। साथी भाइयों के साथ ही कोई मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से काम लेने का इस समय प्रयास करें, इनसे आप परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही फिलहाल आपकी काम आसानी से हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी इस समय बनी हुई है। फिर भी दोस्तों, आप परिस्थिति का पूरा फायदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे। खुद के जीवन के प्रति अधिक फोकस बढ़ाने के लिए इस समय आपको आवश्यकता होगी। दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपके लिए इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही अगर आपके करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों, व्यापार संबंधित गतिविधियों का और अधिक प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है। प्रभावशाली नए संपर्क भी बनेंगे। इस समय मार्केटिंग तथा इनसे संबंधित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। दोस्तों, इस समय आपके करियर के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, व्यवसाय स्थल पर फायदे की स्थितियां बन रही हैं। फायदे की परीक्षा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। आपको बताना चाहेंगे कि कोई खास सफलता आपको इस समय नहीं मिलेगी, लेकिन आपके भविष्य संबंधित योजनाएं काफ़ी सकारात्मक रहेंगी और भविष्य में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, घर पर आप अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन जीवन साथी और परिवार सदस्यों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे दोस्तों घर की व्यवस्था उत्तम बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके अगर लव लाइफ के लिए जो समय होगा, आपका पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होगा, पारिवारिक व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच कोई तकरार भी रह सकती है, परंतु ये जो समय है आपके लिए शनि की रहेगी। माहौल में फिर से सुधार भी आएगा, तो दोस्तों, चिंता बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पुराने रोग भी दोबारा उठ सकते हैं, इसीलिए दोस्तों, इस समय लापरवाही ना बरतें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक